गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस अगेन। इन द लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट लेसन ऑफ जियोग्राफी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड लेसन ऑफ सिविक्स, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। किसी भी संविधान को अगर तैयार किया जाए तो किस प्रकार उसको डिजाइन किया जाएगा उसके बारे में। इन द वेरी बिगिनिंग, इसकी शुरुआत में ही एक संविधान की व्यवस्था को समझने के लिए एग्जाम्पल वाज गिवन, एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल इज गिवन, दैट इज ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, कि किस प्रकार एक लोकतांत्रिक संविधान की शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका के अंदर। अब इसमें इन द वेरी बिगिनिंग स्पीच ऑफ नेल्सन मंडेला वाज गिवन, नेल्सन मंडेला की स्पीच दी गई है, उसमें उसने दे रखा है कि मैंने हमेशा डोमिनेशन ऑफ व्हाइट्स और ब्लैक्स दोनों का विरोध किया है, कि कोई भी एक व्यक्ति अपने अनुसार शासन न चलाए, और यह केवल ब्लैक और व्हाइट इन्हीं वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, ये हम इसके आगे पूरी स्पीच में क्लियर हो जाएगा। कि उसने बोला, आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ ए सोसाइटी इन विच ऑल आर इक्वल, आइदर मैन और वोमेन, रिच और पुअर, और ब्लैक और व्हाइट, चाहे रंग के आधार पर है, चाहे वेल्थ के आधार पर, धन के आधार पर, चाहे जेंडर की इक्वलिटी की बात करें, तो मैंने ऐसे समाज का सपना देखा है जहां सारे बराबर होंगे, मैं किसी का डोमिनेशन नहीं चाहता एक का। ऐसा इन्होंने किस लिए बोला, एट दैट टाइम देयर वॉज ए गवर्नमेंट रन बाय द ब्रिटिशर्स इन साउथ अफ्रीका। उस टाइम पर जो सरकार चला रहे थे साउथ अफ्रीका के अंदर, कौन थे, ब्रिटिशर्स, एंड दे सेग्रीगेटेड द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। उन्होंने समाज को किसके नाम पर बांट दिया गया था, कलर के नाम पर डिवाइड कर रखा था, ब्लैक एंड व्हाइट, इवन नॉट ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, द नेटिव ऑफ अफ्रीका वर ब्लैक, जो वहां के वास्तविक नागरिक थे वो ब्लैक थे, देन आफ्टर द यूरोपियंस वर व्हाइट, जो वहां शासन करने वाले थे व्हाइट थे, अपार्ट फ्रॉम दैट कलर्ड, जो इन दोनों से किसी मैच नहीं करते थे, एंड इंडियंस, समटाइम इंडियंस आर ऑल्सो इंक्लूड इन कलर्ड, तो उनको भी उसके अंदर शामिल किया जाता। तो ये सेग्रीगेशन था सोसाइटी में, दे डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कलर, और जो यूरोपियन जो शासन चलाने वाले थे वो इस कलर के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करते थे लोगों के साथ। अब इसमें अंतर कहां था, यूरोपियंस फर्स्ट वेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड ओनली। शुरुआत में जो यूरोपियंस ज्यादातर जगह किस लिए गए थे, केवल व्यापार के लिए गए थे। इन इंडिया ऑल्सो दे केम फॉर द वेरी सेम पर्पज, भारत में भी आए थे इस पर्पज से, लेकिन भारत में इस प्रकार की परिस्थितियां क्यों नहीं बन पाई, इस प्रकार की परिस्थितियां इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि हमारे यहां शासन डायरेक्ट 1857 के बाद पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ले लिया था, कंपनी के हाथ में नहीं था। यहां मोस्ट ऑफ यूरोपियन सेटल्ड इन अफ्रीकन कॉलोनी, जो अफ्रीका के एरिया थे उनमें ज्यादातर लोगों ने रहना शुरू कर दिया था, एंड देन दे रन द गवर्नमेंट थ्रू डेमोक्रेटिक वेज, हालांकि लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने सरकार चलाना शुरू कर दिया था, बट दे हैव गिवन द राइट टू वोट ओनली टू द यूरोपियंस और द व्हाइट्स। उन्होंने वोट का अधिकार किसको दिया, यूरोपियंस को, यानी सरकार चुनने में बाकी कोई भूमिका थी ही नहीं, यही लोग सरकार चलाने वाले, इन्हीं में से लोग चुनने वाले, तो उनकी कोई भूमिका ही नहीं थी, इनको बिल्कुल अलग रखा गया। इवन द बेसिक फैसिलिटीज, बस, ट्रेन, पार्क, होटल्स एक्सेट्रा वर आल्सो सेपरेट फ्रॉम द व्हाइट्स। जो व्हाइट्स थे उनके अलावा जो फैसिलिटीज तो थी, चाहे वो टैक्सी की, चाहे बस की, ट्रेन की, सब फैसिलिटीज अलग अलग होती थी। दे कांट ट्रेवल इन द वेरी सेम बस और ट्रेन। यहां तक कि आपने महात्मा गांधी का भी एक एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है, जब वो साउथ अफ्रीका में थे उस टाइम पर उनको भी ट्रेन से उतार दिया गया था, बिकॉज यूरोपियन ऑफिसर हैज टू ट्रेवल फ्रॉम द वेरी सेम ट्रेन, उसी ट्रेन से जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसको जाना था, उसके बाद उनको उतार दिया गया था गांधी जी को, बिकॉज ऑफ हिज कलर, उनके रंग के आधार पर ही इस प्रकार का उनके साथ भेदभाव था। तो उसके बाद द व्हाइट इवन डू नॉट अलाउ द ब्लैक्स इन देयर रेजिडेंशियल एरियाज, जो रहने की जगह थी उनके अंदर भी अलाउ नहीं करते थे। द ब्लैक्स हैव टू टेक द परमिशन इफ द व्हाइट्स कॉल देम फॉर एनी वर्क, अगर किसी भी काम के लिए अपने यहां बुलाते भी उनको साफ सफाई के पर्पज से, तो भी उनको एक परमिशन लेनी होती थी। उसके साथ साथ एक छोटी सी कार्टून पिक्चर के द्वारा आपकी बुक में दर्शा रखा है कि किस प्रकार की परिस्थितियां थी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ 11,000 वोट की जो हमारे
इलेक्ट्रिक लाइन होती है जो इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए है, उसके पास लिखा था डेंजर कि आप उसके आसपास से नहीं निकले या हाथ न लगा दें। उसी प्रकार वहां जो व्हाइट्स के एरियाज थे वहां साफ साफ बोर्ड लगा होता था कि ब्लैक कलर्ड और इंडियंस इफ दे मूव फ्रॉम दैट एरिया आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम, समय दे दिया कि इस समय के बाद यानी रात को 8 बजे हो सकते हैं 9 बजे के बाद अगर हो जाते हैं दे विल बी कंसिडर्ड एज मिसिंग, तो उनको गुमशुदा में दिखा दिया जाएगा और वो किसके शिकार हो जाएंगे, बाय द सेवेज डॉग्स, जो उनके पास खतरनाक कुत्ते उन्होंने पाल रखे उनका भोजन बन जाएंगे, यानी उनके सामने उनको डाल दिया जाएगा। तो इस प्रकार के बोर्ड आपकी बुक में एग्जाम्पल किस प्रकार उनके साथ भेदभाव होता था। अब उसके बाद इस प्रकार के एट्रोसिटीज जब कंटिन्यू रही, इस प्रकार के अत्याचार जब कंटिन्यू रहे उनके साथ, तो अल्टीमेटली द पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, उसके बाद उनके खिलाफ विरोध किया गया 1950 ऑनवर्ड्स, 1950 के बाद। और इसमें जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसने की ये विरोध प्रोटेस्ट तो इस इन यूरोपियन के खिलाफ किया, वो कौन था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और द मेन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द यूरोपियंस और द ब्रिटिशर्स, वो कौन सा था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने इसकी आवाज उठाई। एंड द मेजर लीडर ऑफ दिस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज नेल्सन मंडेला, इसका महत्वपूर्ण नेता कौन था, नेल्सन मंडेला। और वो नेल्सन मंडेला की स्पीच हमने शुरुआत में ही पढ़ी थी, वो स्पीच कब की, 1964, देन आफ्टर ही वॉज इम्प्रिजेंट, उसको जेल में डाल दिया गया, ट्राइड फॉर ट्रेजन, देशद्रोह का केस चलाया गया एंड इम्प्रिजेंट फॉर लाइफ, और उसको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। अब लगातार जब उस कांग्रेस ने उनके जाने के बाद भी संघर्ष किया, तो अल्टीमेटली जब ब्रिटिशर्स को यह लगा, यूरोपियंस को यह लगा, वी कांट कंटिन्यू फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम थ्रू दिस रिप्रेशन, इस प्रकार हम दमनकारी नीतियों के द्वारा लंबे समय तक शासन नहीं चला सकते, तो उन्होंने जो कुछ उनकी डिमांड थी उनको मानना शुरू कर दिया। राइट टू वोट वॉज गिवन टू एवरीवन, सबको वोट का अधिकार दे दिया गया। नेल्सन मंडेला वॉज फ्रीड फ्रॉम द प्रिजन, जेल से उनको फ्री कर दिया गया 1992 में, आफ्टर 28 ईयर्स, 1964 में उनको जेल में डाला गया था, 1992 में उनको वहां से फ्री किया गया। अब उसके बाद शुरुआत हुई, ये जो हम संविधान की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें इसकी, अब जो व्हाइट्स थे यूरोपियंस, उन्होंने बहुत सारे अत्याचार किए थे, नो डाउट देयर विल बी हेटेड इन द माइंड ऑफ द ब्लैक्स और द कलर्ड और द इंडियंस, जितने भी उनके खिलाफ जिनके खिलाफ इन्होंने अत्याचार किए, सबके मन में इनके प्रति घृणा का भाव था। लेकिन नेल्सन मंडेला ने और अदर लीडर्स ऑफ दैट ब्लैक कम्युनिटी, जो और नेता थे, उन्होंने बोला कि वी आर नॉट सपोज टू कीप दैट हेटेड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक इस प्रकार की घृणा का भाव नहीं रह सकते, वी हैव टू रन द कंट्री ऑन द डेमोक्रेटिक लाइन्स, अब हमें लोकतांत्रिक तरीके से देश को आगे बढ़ाना है, एंड टू कीप ऑल ऑन इक्वल बेसिस, आइदर ही इज ब्लैक और व्हाइट और फ्रॉम एनी डिफरेंस इज देयर, अगर कोई भी अंतर है उससे हमें आगे ऊपर निकल के और उसके बाद हमें एक आम सहमति शासन चलाना है, एंड दैट वुड बी इन रिटन फॉर्म, वो लिखित तौर पर हो, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जिसको नाम दिया गया। इसके लिए इनमें सहमति बनी कि कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय लिए जाएंगे हर एक के विचारों को पूछा जाएगा, यानी प्रत्येक कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनसे पूछा जाएगा किस प्रकार आगे कंटिन्यू किया जाए और सबको साथ लेके चला जाएगा। उसके बाद एक नए संविधान का निर्माण हुआ। इन द बिगिनिंग साउथ अफ्रीका वॉज डिनाउंस्ड बाय अदर कंट्रीज एज द ब्रूटल वन, जो ये बताएगा किस प्रकार का निर्दयी शासन अफ्रीका में होता है, बहुत सारे लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया था, इवन आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, आपने देखा होगा 1992 के वर्ल्ड कप तक साउथ अफ्रीका के ऊपर कंट्रीज आईसीसी ने बैन लगा दिया था, क्रिकेट नहीं खेलते, क्यों, क्योंकि वहां किसके आधार पर, ये जो हमारा ब्लैक और व्हाइट का डिफरेंस था इसके आधार पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वहां, जिसको बोला गया था अपार्टहाइड, रंग भेद की नीति अपनाई गई थी, उसके आधार पर इसका विरोध किया गया था, इसलिए इसके ऊपर बैन था 1992 तक। तो ये हमारे यहां इस प्रकार की पॉलिसीज अपनाएगी। उसके बाद 1992 के बाद नए संविधान का निर्माण हुआ, फिर वापिस पूरे दुनिया के अंदर एक वापिस अलग पहचान बनी और विशेष पहचान बनी इस प्रकार का संविधान, जो बाकी कंट्रीज के लिए एक एग्जाम्पल बन गया। इस प्रकार के प्रोविजंस रखे गए जिसमें सबको समान मानते हुए सबको बराबर का अवसर दिया गया आगे बढ़ने का, लोगों को अधिकार दिए गए,
अब वो सर्टिफिकेशन जो कि उसके बाद बनाया गया वो अपने आप में बाकी देशों के लिए एक एग्जांपल बना और उसको फॉलो करते हुए बाकी देशों ने देयर वर लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट्स डन इन डिफरेंट कंट्रीज, बहुत सारे बदलाव किए गए संविधान में साउथ अफ्रीका को एक एग्जांपल लेते हुए। तो ये थे हमारे केवल एक छोटा सा आइडिया कि संविधान की व्यवस्था किस प्रकार शुरू किया और क्यों जरूरत है उसकी, कि सबसे पहले संविधान कि हमारे क्यों जरूरत है, देखो पहले किस प्रकार का भेदभाव होता है उसको एक रिटन फॉर्म में अगर कोई इफ एनीवन वांट टू रेज द इश्यूज, अगर कोई अपनी इश्यूज को उठाना चाहता है वांट जस्टिस न्याय चाहिए देन देयर मस्ट बी अ लीगल प्रोसीजर विच इज इन रिटन फॉर्म, कि कोई ऐसी व्यवस्था तो हो जिसके द्वारा हम रिटन फॉर्म में जा सके आगे, उसके लिए एक संविधान की जरूरत है। और इस प्रकार का संविधान जो सबको मान्य हो वो किस प्रकार इंप्लीमेंट होगा, थ्रू द पीपल कंसेंट, लोगों की सहमति से ही पॉसिबल है। दे आइदर पार्टिसिपेट डायरेक्टली इफ द पॉपुलेशन इज इन स्मॉल इन साइज, अगर पॉपुलेशन कम है तो डायरेक्ट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अदरवाइज इफ द कंट्री लाइक इंडिया वेयर द पॉपुलेशन इज अबव 130 करोड़, 130 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या हो, थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स अपने प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी बात रखे। इसी प्रकार एक नए संविधान का निर्माण किया गया, बट ए लॉन्ग स्ट्रगल वॉज देयर, एक लंबा संघर्ष करना पड़ा अपने अधिकारों के लिए, और वो संघर्ष आपने देखा नेल्सन मंडेला को तो 28 ईयर्स तक ही हैज टू बी इनसाइड द प्रिजन, जेल में रहना पड़ा। फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के लिए हमारे संविधान में क्या कुछ विशेषताएं हैं, किस प्रकार इसको अडॉप्ट किया गया, क्या कुछ प्रोविजन अपनाए गए, जैसे साउथ अफ्रीका के संविधान को बनाने में देयर वॉज ए डिबेट और डिस्कशन फॉर टू ईयर्स 1992 के बाद 1994 में इम्प्लीमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, 1992 से दो साल के लिए डिबेट डिस्कशन के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो हमारे संविधान में कितना समय लगा, किस प्रकार बनाया गया, कौन इसके रिप्रेजेंटेटिव थे, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।